वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल दे विच तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला अपने चैनल नू सबसक्राइब कर लो ते जेकर वीडियो वधिया लगेगी ते इस नू लाइक अते शेयर जरूर कर देना। अपनी अज दी वीडियो दा विषय है कि कई लोग अमृत वेले उठदे ता है पर अमृत वेले उठ के उठण दे बावजूद उठ के नाम जपण दे बावजूद एक गलती कर बैठदे ने। उस गलती दे कारण उन्हां नूं जपे होए नाम दा पूरा फल नहीं मिलदा, इसे करके उन्हां दी अरदास पूरी नहीं हुंदी। ते जेकर आपां ओह गलती करनी छड्ड दिंदे आ तां ही साडी आवाज साडे वाहिगुरु जी तक पहुंचेगी, तां ही साडी अरदास पूरी होवेगी, साडी इच्छा पूरी होवेगी। तो केड़ी गलती आ उसे विषय दे उत्ते अज आपां अपनी अज दी वीडियो दे विच गल करांगे। इस करके सारिया दे अगे हाथ जोड़ के बेनती है कि वीडियो नू पूरा अंत तक ध्यान नाल सुनना अते समझना। तो देखो जी, जिस तरह आपां बैंक दे विच पैसा जमा करते हैं, हर महीने आपां बचत करते हैं, धन कमाउने आ, धन जोड़दे आ अते ओह धन नू बैंक दे विच जमा करवाउने आ अते बैंक विच जमा कराए हुए पैसे दा घर विच वी हिसाब रखदे आ। बकायदा एक कापी दे उपर लिखदे आ कि साडी इस महीने इन्नी कमाई होई सी अते ओह असीं बैंक विच जमा करा दित्ती। बैंक दीआं रसीदां वी संभाल के रखदे आ। ते एक दिन आपां नूं पैसे दी लोड़ हुंदी आ ते जदों फिर उस वेले आपां बैंक विच जांदे आ, बैंक दे विच जा के अपने पैसे कढवाउने आ तां अगों नो बैलेंस दा जवाब सुन के आपां दुखी हुंदे आ अते आपां अधिकारियां दे नाल लड़दे आ। उन्हां नूं कहिंदे आ कि मैं तां इन्ना पैसा जमा करवाया सी पर तुसीं कह रहे हो कि बैंक दे विच मेरा कोई भी पैसा जमा नहीं आ। मैं बकायदा अपनी कापी उपर लिखिया है, रसीदां संभाल के रखियां ने कि मैं आए महीने किन्ना पैसा जमा कर दिया हां। ते फिर ओह अधिकारी उसनूं दसदे ने कि तुसीं सच्चे हो, तुसीं हर महीने अपनी कीती हुई कमाई इस बैंक दे विच जमा करवाई सी, वह हिसाब तुहाडे कोल है पर जो तुसीं उस विचों खर्च कीता तुसीं वह हिसाब नहीं लगाया। तुसीं जिस तरह ही पैसे जमा करांदे सी नाल नाल कढवांदे रहे, खर्च भी करदे रहे। इसे करके तुहानूं अज लोड़ पैण ते तुहानूं पैसे नहीं मिले क्योंकि तुसीं नाल दी नाल ही पैसे कढा के खर्चदे रहे। ते बिलकुल इसे तरह साडा हाल आ अपनी अमृत वेले दी कमाई। आपां अमृत वेले उठदे आ, उठ के नाम जपदे आ, उस वाहिगुरु अकाल पुरख जी दी सिफत सलाह करदे आ, भाव कि नाम दी कमाई करदे आ, पर जदों आपां अपनी कीती हुई कमाई दा फल मंगदे आ तां सानूं अगों जवाब नो बैलेंस मिलदा है, भाव कि साडी इच्छा साडी अरदास पूरी नहीं हुंदी। तां इत्थे समझण दी लोड़ आ कि जिस दिन आपां बैंक विच पैसे जमा कराउण दा हिसाब रख्या पर असीं अपने खर्चे दा हिसाब नहीं रख्या अते फजूल विच ही बैंक कर्मचारियां दे उत्ते इल्जाम लाए ते उसी ही तरह असीं अपनी इच्छा ना पूरी होण ते उस वाहिगुरु अकाल पुरख जी दे नाल उलांभे करदे आ, गिले शिकवे करदे आ। अपनी भुल असीं वाहिगुरु अकाल पुरख जी दे उत्ते मढ़ना चाहुंदे आ पर असीं भुल जांदे आ कि असीं नाम ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਅਰਥ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਹੇਲੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਫਰੋਲੇ। ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਉਸ ਸਮਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਘੜਾ ਹੌਲੀ 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 ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੇ ਦਾ ਥੱਲੇ ਤੱਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪਰਦੇ ਫਰੋਲਣ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜੇ, ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ कि देख के अणडिठ कीता उन्हां प्यारिआं दी कमाई दा ध्यान धरके बोलणा जी। वाहिगुरु देख के अणडिठ कीते दा मतलब इह हुंदा है कि जेकर सानूं किसे दा औगण, किसे दी कमी पता लगी आ तां उसदा ढंडोरा असीं थां थां ते नहीं फेरना, थां थां ते उसदी बदनामी नहीं करनी, सगों उसदे औगण नूं, उसदी उस कमी नूं कज्जण दी कोशिश करनी आ।
पर असी तो इदा दे कि साडे कोल किसी की धी भैन की किसी के पुत की गल आ जाए तो सानू उन्नी देर तक चैन नहीं मिलता जिनी देर तक असी अगे तो अगे पूरे गली महल्ले तक गल फैला नहीं देंगे। पर साडिया माड़िया हरकत या माड़िया आदत यह साडे गुरु घर प्रवान नहीं। गुरु नानक पातशाह के घर का सिद्धांत आ कि निंदा चुगली किसी की बदनामी किसी के परदे फरोलना इस दी सख्त मनाही है। ते जे आपां इदां दे काम करदे आ फिर चाहे लखां सेवा कर लो लखां दान पुन पाठ कर लो कोई फल नहीं मिलना। ते दूजे पासे एक मनुख चाहे ओ कोई सेवा ना करे पाठ ना करे पर कदे वी ओ किसी दी निंदा चुगली नहीं करदा किसी दा दिल नहीं दिखाउंदा किसी दे नाल ईरखा नहीं करदा हर वेले दूसरिआं दे परदे कज्जण दी कोशिश करदा है। तो जो दूसरिया के पर्दे कजदे ने उन्हां दे पर्दे मेरे वाहेगुरु अकाल पुरख जी आप कजदे ने। इस करके जो भी अमृत वेले उठदे ने उठ के बंदगी करदे ने पाठ करदे ने सेवा सिमरन करदे ने नाल नाल गुरु वल्लों दसे हुए परहेज भी करो खास करके निंदा चुगली तो जिन्ना बच सको उन्ना ही बचो। तो देखना किते हुए पाठ का फल जरूर मिलेगा क्योंकि असी अपनी सारी कीती असी ढाई घंटे का किया होया नितनेम किसी की पांच मिनट की निंदा चुगली करके गवा बैठते हैं तो फिर खाली रह जाते हैं। इस करके जे अपने गुरु दियां खुशियां चाहुंदे आ गुरु घर तो बरकतां चाहुंदे आ तो फिर अज तो ही वो काम कदी नहीं करने जिन्हां तो साडे गुरु ने सानू वरजिया है। आओ अज तो रोजाना ही अमृत वेले उठिए अमृत वेले उठ के नाम की कमाई करिए भाव कि उस वाहेगुरु अकाल पुरख जी की सिफत सलाह करिए चाहे पंज बाणियां दा नितनेम करो चाहे जपजी साहिब जी दा पाठ चाहे मूल मंत्र दा जाप जां होर भी जे कोई बाणी पढ़दे आ पर नाल नाल गुरु वल्लों दस्से होए परहेज भी करने ने। जिस तरह जेकर साडे शरीर नूं कोई रोग लग जावे तां डाक्टर वल्लों दित्ती हुई दवाई तां ही असर करदी है जेकर आपां ओह दवाई डाक्टर दे दस्से अनुसार खाने आ अते डाक्टर दे दस्से होए परहेज भी करदे आ। उसे ही तरह बाणी है बाणी भी साडे सारे दुख दूर करदी है सारियां इच्छावां पूरियां करदी आ पर बाणी पढ़न दे नाल नाल बाणी वल्लों दस्से होए परहेज करने भी जरूरी आ। तो साडे गुरु अते गुरुआं दी बाणी सानू हमेशा ही निंदा चुगली ईरखा हंकार तो वरजदी है पर आपां ओह काम वार वार करदे आ जिन्हां तों सानू बाणी ने रोकिया है। ते जेकर आपां अज तो ही बाणी नूं पढ़ के बाणी नूं समझ के बाणी दे दस्से होए मार्ग ते चलांगे तां अपने घर दे विच अपने आप खुशहाली आवेगी बरकतां आउणगीआं खुशियां आउणगीआं। तां आओ अज तो ही कोशिश करिए कि बाणी नूं पढ़ के विचारिए अते बाणी दे दस्से होए मार्ग ते चलण दी कोशिश करिए अते अपने गुरु नानक पातशाह जी दीआं खुशियां अते बरकतां हासिल करिए।